सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलते हुए नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। आज का पंचांग 9 जून 2024 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 8:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:27 से 7:07 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं। मेष राशि 9 जून 2024 दिन रविवार, आपको लॉटरी सरप्राइज या अप्रत्याशित तरीके से कोई उपहार मिल सकता है। खतरनाक मनोरंजन गतिविधियों पर धन व्यर्थ न करें। भावी कल्याण के लिए अपने शरीर और आत्मा का ख्याल जरूर रखें। आज के दिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का है। अतीत के कुछ खट्टे मीठे अनुभव भविष्य के दृढ़ फैसले लेने में मदद करेंगे। आज होने वाली चीजें आपको अपने अतीत की याद दिला सकती है। एक दीर्घकालीन योजना हमेशा यादगार रहती है। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहा जाता है। इस समय सेहत पर आपका खास ध्यान है। कोई मूर्खतापूर्ण रिश्ता आपको अपमान दिला सकता है। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सामान किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए लोगों से जल्द ही परिचय भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर। खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती है। इस दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। आपके घर के लोगों को आज आपकी खास की जरूरत हो सकती है। आपके घर के लोगों को आज आपके साथ की जरूरत हो सकती है। उनके लिए समय निकालने की पूरी कोशिश करें। व्यस्त भरे दिनचर्या रह सकती है, घर पर कार्य बनते जाएंगे। व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने अहम को छोड़ना होगा, इससे संबंधों में मधुरता आएगी। युवाओं के करियर संबंधित कोई चिंता भी दूर होगी। पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने के लिए प्रयत्न बढ़ाने होंगे। एक जैसी परिस्थिति की वजह से चिंता हो सकती है। यदि आप काम में बदलाव करते हैं तो स्थिति में बदलाव हो सकता है। पुरानी बातों से सीख ले। जिस प्रकार से आप में बदलाव आ रहा है, आपके अनुभव भी बदलेंगे। करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले दोबारा विचार करने की भी आवश्यकता है। फिलहाल प्राप्त हुए काम पर ध्यान देना ही आपके लिए ठीक रहेगा। रिलेशनशिप ठीक करने के बाद भी चिंता हो सकती है। पानी की कमी होने से सिर दर्द भी हो सकता है, ख्याल रखें। आय अच्छी बनी रहेगी। उलझने समाप्त हो सकती है और नए कार्य प्राप्त होंगे। दोपहर के बाद से समय प्रतिकूल रहेगा। पड़ोसी से विवाद हो सकता है। आय में कमी होगी। बेकार के कार्यों में समय बर्बाद होगा। योजनाएं विफल होगी। शाम को मन उदास रहेगा। कार्य में मन नहीं लगेगा। सावधानियां। फाइनेंस संबंधित कोई भी गतिविधि बहुत ही सावधानी से करें। इस समय कोई धोखा होने जैसी स्थिति भी बन रही है। किसी नजदीकी संबंधी की किसी गलतफहमी को लेकर मन परेशान रह सकता है।
परंतु गुस्से के बजाय धैर्य पूर्वक समस्या का हल निकाली। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी आप अपने रिश्तों में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप इसमें ताजगी और यौन सुख का आनंद ले सकें। हालांकि कोई झटका, अपमान या दुख भी आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन किसी अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाएं। आप अपने अतीत के खट्टे और मीठे अनुभव को याद करके उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे जिससे आपके भविष्य की नींव मजबूत बनेगी। प्रेम के बंधन में बंधने के लिए अब यह समय उपयुक्त है। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, अपने साथी को अपने प्यार का एहसास कराना बिल्कुल न भूलें। इसके लिए प्यार भरी आपकी मुस्कान ही काफी है। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और सांस से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहाँ साझेदारी से कारोबार होता हो और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता हो। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके घर का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। आज आप किसी भी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और मीटिंग में लोगों को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अचानक प्राप्त हुआ धन आपको खुशी प्रदान करेगा, लेकिन किसी करीबी की घातक बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज आप जीवन में आराम और सुरक्षा महसूस करेंगे। नए विचार आपके करियर को नया मोड़ दे सकते हैं। आपके कौशल और उपलब्धियों के बारे में आपके उच्च अधिकारी भी अच्छे से जानते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण को विकसित करें। एक लंबी अवधि की योजना हमेशा आपको शांत रखेगी और साथ ही सही मार्ग भी दिखाएगी। बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है, खास योजनाएं बनेगी। मार्केटिंग संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दें। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां रहेगी। नौकरी बिजनेस में गुस्से से नुकसान हो सकता है, ख्याल रखें। बात करते हैं सेहत की। अपनी भावनाओं को समझना और निरीक्षण करना और उन्हें समझना अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। अक्सर अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें समझते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक मौका मिलता है। नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें वे क्षेत्र पता चलता है जिसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। अपने भीतर शांति को बनाए रखना हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।